में 20 है, अ स्टेशनरी बॉडी ऑफ मास 3 केजी एक्सप्लोड्स इनटू 3 इक्वल पीसेस, तो हर एक पीस कितने होंगे 1 केजी ईच हो गया। टू ऑफ द पीसेस फ्लाई ऑफ एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, वन विद द वेलोसिटी 2i मीटर पर सेकंड, द अदर विद द वेलोसिटी ऑफ 3j मीटर पर सेकंड। इफ द एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस इन 10 टू पावर माइनस 5 सेकंड, द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन थर्ड पीस इन न्यूटन इज 1, राइट। तो पहले हम देखें इसको कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एक्सप्लोजन हो रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगे लगे, इट्स ओके, टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, 10 टू पावर माइनस 5 सेकंड, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो शुरू का मोमेंटम इज इक्वल टू बाद का मोमेंटम, दैट इज जो एक्सप्लोजन से पहले जो मोमेंटम है वही मोमेंटम बाद में, तो कितना आ गया, शुरू में मोमेंटम इतना है 0 है, बाद में कितना है, बाद में है P1, एक का ले लो P1 प्लस P2 प्लस P3, मोमेंटम शुड बी इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन ठीक है? ये इक्वेशन ठीक नहीं है, इस तरफ आपने वेक्टर्स लिया और इस तरफ जीरो वेक्टर लिया हुआ है, इसीलिए नल वेक्टर होता है और जीरो वेक्टर बोला जाता है। इक्वालिटी का साइन मतलब है कि दोनों तरफ सेम चीज होनी चाहिए, वेक्टर इधर है तो इधर भी वेक्टर रहेगा, तो ये नल वेक्टर बोला जाएगा। तो शुरू में अगर मोमेंटम जीरो है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो जीरो जीरो वेक्टर है, तो बाद में भी तीनों का मिला के मोमेंटम कितना रहेगा, जीरो रहेगा। ये हमने थर्ड ब्लॉक ले लिया, तो जीरो इज इक्वल टू इसका कितना हो गया, 1 केजी मास इनटू वेलोसिटी 2i कैप। पी थ्री जो हो गया मोमेंटम वो हो गया माइनस 2i प्लस थ्री जे कैप हो गया, सो पी थ्री मोमेंटम हो गया माइनस 2i प्लस थ्री जे कैप हो गया। शुरू में मोमेंटम जीरो था, ये बाद का मोमेंटम है, तो चाहे बोल दो चेंज ऑफ मोमेंटम बोल दो चाहे फाइनल मोमेंटम बोल दो एक ही बात है, क्योंकि शुरू का मोमेंटम तो जीरो है, तो ये चेंज ऑफ मोमेंटम को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एफ जो होता है वो तो होता है डीपी बाय डीटी होता है, जो थर्ड वाला उसमें चेंज ऑफ मोमेंटम यही हुआ, शुरू मोमेंटम जीरो था बाद में यह पी थ्री मोमेंटम हो गया, ऐसे हुआ, तो चेंज ऑफ मोमेंटम पी थ्री माइनस जीरो पी थ्री हो गया, तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना हो गया, ये हो गया माइनस 2i प्लस 3j कैप हो गया, और टाइम कितना लगा है, 10 टू पावर माइनस 5 सेकंड्स लगा, तो फोर्स कितनी हो गई, फोर्स ऊपर ले जाओ इसको, माइनस 2i प्लस i कैप प्लस 3j कैप इनटू 10 टू पावर प्लस 5 न्यूटन, दैट इज द राइट आंसर, बी इज द राइट ऑप्शन टू क्वेश्चन नंबर 20।